मंदिरों के शहर जम्मू के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। इस प्राचीन आध्यात्मिक नगरी की जीवन रेखा कही जाने वाली तवी नदी पर बैराज का काम पिछले 12 वर्षों से लटका हुआ था। 2010 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी, पार्शियली मैंने थोड़ा बहुत काम हुआ था और वर्षों से जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस परियोजना को शुरू किया गया था वो लक्ष्य अधूरे पड़े हुए थे। ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में देरी नहीं हुई बल्कि एक रवायत सी बन गई थी, एक परंपरा बन गई थी कि कोई भी प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा। ये जो व्यवस्था चल रही थी इससे न केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा बल्कि आम आदमी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं इस आम आदमी को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। ये सच है कि 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में विकास की नई प्राथमिकताएं तय की गई। जम्मू शहर में भी अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनका जिक्र मेरे पूर्व किया गया है और उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि जो पुरानी संस्कृति यहाँ की रही है उसके पुनर्निर्माण और एक मजबूत अर्थव्यवस्था जम्मू की बन सके, पूरे शहर की और पूरे रीजन की। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि पूरी शिद्दत से, आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर इस प्राचीन शहर के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और इस अभियान में रत्ती भर भी कोताही नहीं की जाएगी।